संगठन की ओर से पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक विशाल संविधान मार्च रैली का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे स्थानीय नगरपालिका ग्राउंड से सभी विभागों के एनपीएस धारक कर्मचारी एकत्रित हुए, जिसमें मुंगावली विकास खंड की सभी जगह से आए हुए कर्मचारी, अशोकनगर और गुना के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज की रैली में महिलाओं की उपस्थिति अत्यधिक देखी गई। कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंच से अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष NMOPS परमानंद डेहरिया ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगठन की आगामी गतिविधियां, पुरानी पेंशन बहाल करना क्यों आवश्यक है और यदि यह सरकार नहीं करती है पेंशन नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करने का आह्वान किया। डेहरिया ने 90 दिन का समय सरकार को दिया, यदि 90 दिन बाद यह सरकार घोषणा करती है तो उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अधिक संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति और व्यवस्थाओं संबंधित चर्चा की गई। इस अवसर पर महावीर शरण श्रीवास्तव, रामेश सिंह झलकर, राम गोपाल से भरे, दिलीप रघुवंशी, शिव कुमार शर्मा, रवि शर्मा, राजेश खरे, सौरभ जैन, रामबाबू रघुवंशी, कौशल किशोर शर्मा, नेपाल सिंह यादव, प्रमोद रोयले, हारून खान, विजयपाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बना देंगे साथियों, बस 60 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, कोई 500 वोट से, कोई 1000 वोट से जीती है, पर 40 सीटें जीती और पहली कैबिनेट में वहाँ की सरकार ने बेजन कर दिए। साथियों 23 और 24 में चूके तो 28 तक हमारे घर कितने साथी रिटायर हो जाएंगे। जो साथी रिटायर्ड हो रहे हैं, क्या 1500 रुपए में घर चलेगा? साथियों आप मुझे बताओ, आप उसी समय सबसे अधिक आपको पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप उस समय बीमार होंगे, आपकी उम्र बहुत हो चुकी होगी, बीपी की गोली चाहिए, शुगर की गोली चाहिए। तो साथियों वोट फॉर ओपीएस, भारत माता की जो पेंशन देगा 2200 रुपए मिले, ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो है ही, लेकिन हर उस गरीब मजदूर दुकानदार हाथ ठेले वाले किसान, ये सभी की लड़ाई है जो आज अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा है कि कल को हमारा बच्चा पढ़ लिख के कहीं ना कहीं शासकीय नौकरी में आएगा। ये लड़ाई हम उस सैनिक के लिए भी लड़ रहे हैं जो बॉर्डर पे खड़ा होके 24 घंटे, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि दुश्मन की कम कौन सी गोली आके उसकी जीवन का अंत कर दे, आज उसे भी पुरानी पेंशन नहीं, उसे भी न्यू पेंशन स्कीम के तहत। और बंधुओं, ये न्यू पेंशन स्कीम कोई पेंशन नहीं है, ये स्कीम है, शेयर बाजार की स्कीम है, इसमें हम अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन इस स्कीम के तहत शासन को भी कोई इसमें फायदा नहीं है और कर्मचारी को तो नफा ना होगा। अभी उदाहरण जो लोग सुन रहे हैं उनको हम बता दें कि मोहावली विकास खंड का उदाहरण, प्राथमिक विद्यालय पाटन में हमारे जगदीश यादव जी शिक्षक थे, जिनका अभी निधन हुआ, जिस दिन उनका निधन हुआ उनके खाते में एनपीएस खाते में 9,75,000 रुपया जमा था। लेकिन उनकी मौत के बाद शासन की जो नियम है कि मृत्यु के पश्चात एनपीएस में से 20% यानी कि 20% भुगतान किया जाता है, तो उनकी पत्नी को मात्र 1,72,000 रुपया जो है एनपीएस के रूप में उसको मिला है, और शेष 8,00,000 रुपया उन शेयर कंपनियों में जहां इन्वेस्ट किया है शासन ने, उनमें 8,00,000 रुपया जमा है, जिसके ब्याज के रूप में उसकी पत्नी को 3,584 रुपए प्रतिमाह वेतन पेंशन मिल रही है। और ये पेंशन जब तक जगदीश भाई की पत्नी जीवित है, 10 साल 20 साल 25 साल, तब तक उन्हें 3,584 रुपए मिलेगा, और जिस दिन उनकी पत्नी खत्म हो जाएगी तो 8,00,000 एनपीएस का जो उनके अकाउंट में जो राशि जमा थी वो राशि न शासन के पास पहुंचेगी, वो राशि राज्य सरकार उन कंपनियों के द्वारा कर ली जाएगी जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बंधुओं, आज एनपीएस से शासन को भी नुकसान है और कर्मचारी को तो है ही, लेकिन पता नहीं है कि सरकारें क्यों एनपीएस पे तुली हुई है इन शेयर कंपनियों से जिनमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनसे अंदर की इनकी क्या बात है, किनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है। आज 400 करोड़ पर मंथ लगभग एनपीएस के रूप में इंश्योरेंस दे रही है और लगभग 40,000 करोड़ से ऊपर एनपीएस का पैसा इन कंपनियों के पास जमा है। तो मैं सीधी सी दोनों बात, या तो शासन को मध्य प्रदेश उसको उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला,
तो मैं देख रहा हूँ कि पुरानी पेंशन जो है वो हम लोग तो प्राप्त कर रहे हैं, किंतु हमारे भाई बहन जो पुरानी पेंशन से वंचित हैं, आगे का जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है और पेंशन जो है उनको मिलना चाहिए। और हम सब जितना भी पुरानी पेंशन वाले हैं, वह भी हम अपने भाई बहनों का हर कदम पर जो है उनका साथ देंगे।